अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु जंग हो सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान मेरी हत्या करवा देता है तो अमेरिका ईरान का पूरी तरह से सफाया कर दे, उसे दुनिया के नक्शे से मिटा दे। आखिर ट्रंप ने ईरान को लेकर इतनी बड़ी धमकी क्यों दी? इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। अगर ट्रंप की हत्या हुई तो नक्शे से मिटेगा ईरान। क्या ऐसा संभव है कि अगर ईरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करवा देता है तो अमेरिका ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा? क्या इस दावे पर यकीन किया जा सकता है कि 13 जुलाई 2024 दिन शनिवार को जिस तरह से ट्रंप की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की गई, उस खौफनाक साजिश के पीछे ईरान की खुफिया एजेंसियां थी? आखिर ट्रंप दुनिया को यह क्यों बता रहे हैं कि अगर मेरी हत्या होती है तो अमेरिका ईरान को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर देगा? क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर भीषण परमाणु हमला कर सकते हैं? ट्रंप की परमाणु वसीयत, ईरान पर आखिरी हमला। जानलेवा हमले के बाद से ट्रंप ईरान को लेकर बेहद आक्रामक हो चुके हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जो बयान दिया है उसके बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। जरा देखिए ट्रंप ने ईरान को लेकर क्या कहा। अगर वो राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या करते हैं, जिसकी हमेशा संभावना है, तो मुझे उम्मीद है कि अमेरिका ईरान को मिटा देगा, उसे पृथ्वी से मिटा देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो अमेरिकी नेताओं को निर्भीक कायर माना जाएगा। ट्रंप का ये बयान नेतन्याहू के उस बयान के बाद आया है जिसमें नेतन्याहू ने ईरान पर सीधा निशाना साधते हुए वाशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। ईरान ही हमास, हूथी और हिजबुल्ला से इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले करवा रहा है। नेतन्याहू और ट्रंप के बयान में ईरान ही दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। To prevent Iran from developing nuclear weapons that could destroy Israel and threaten every American city, every city that you come from. We're not only protecting ourselves, we're protecting you. सोशल मीडिया ट्रुथ पर ट्रंप के बयान के बाद से सवाल उठता है कि क्या ट्रंप के ऊपर ईरान का खौफ हावी हो गया है? क्या ट्रंप को लगता है कि पेंसिल्वेनिया में 20 साल के जिस हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने गोली चलाई थी उसके पीछे ईरानी साजिश थी? दूसरी तस्वीर में यह समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ट्रंप की हत्या ईरान करवा देता है तो फिर अमेरिका ईरान को तबाह करने के लिए भीषण परमाणु हमले कर सकता है? क्या ट्रंप के बवाली बयान के आधार पर अमेरिका ऐसी कार्रवाई ईरान के ऊपर करने में सक्षम है, या फिर ईरान को तबाह करना अमेरिका के बस की बात नहीं है? अगर ट्रंप की हत्या हुई तो नक्शे से मिटेगा ईरान। डोनाल्ड ट्रंप पर इसलिए ईरान के बदले का खौफ मंडरा रहा है क्योंकि 3 जनवरी 2020 को ईरानी सेना के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर की गई थी। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ईरान की राजधानी बगदाद में ट्रंप के आदेश पर ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिकी सेना ने ड्रोन से मिसाइलें दागकर मार डाला था।
ईरान तब से ट्रंप की हत्या करने की साजिश में जुटा है, जिसकी वजह से ट्रंप बुरी तरह से घबराए हुए हैं। क्यों इजराइल ईरान के परमाणु अड्डों और संस्थानों को टारगेट करने जा रहा है? क्यों पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ऊपर हुए हमलों को ईरान से जोड़ रहे हैं? क्यों ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिकियों को मैसेज दे रहे हैं कि ईरान उनकी जान लेना चाहता है? लेकिन यह भी सच है कि ईरान को पृथ्वी से मिटा देने का ख्वाब देखने वाले ट्रंप कभी भी ईरान का विनाश नहीं कर पाएंगे। जरा इस एनिमेशन को देखिए। कुछ रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक ईरान ने तमाम प्रतिबंधों के बावजूद 30 गुना अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का भंडार जमा कर लिया है। ईरान ने हाई क्वालिटी का यूरेनियम इतनी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा कर लिया है कि वो आराम से हर महीने 2 से 3 परमाणु बम बना सकता है। इधर दूसरी तरफ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी मिलकर पूरी कोशिश में लगे हैं कि ईरान परमाणु बम ना बना सके। ईरान के जानकारों के मुताबिक अमेरिका समेत 4 देश इस वक्त ईरान के खिलाफ साजिश करने में जुटे हैं, ताकि ईरान की परमाणु क्षमता को बर्बाद किया जा सके। अमेरिका तो खुलेआम कह रहा है कि वो हर हाल में ईरान की एटमी ताकत को खत्म करेगा। लेकिन अमेरिका और इजराइल के लिए ऐसा हमला करना ईरान पर आसान नहीं है। इस वक्त ईरान दुनिया में आत्मघाती ड्रोन बनाने में काफी आगे निकल चुका है। उसके पास हजारों की तादाद में बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जिसमें से कई परमाणु बम से बहुत कम वक्त में लैस हो सकती हैं। इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि ईरान के परमाणु फैसिलिटी पर हमला करना इजराइल के लिए इराक और सीरिया की तरह आसान नहीं होने वाला है। सबसे पहली बात, ईरानी परमाणु फैसिलिटी बिखरी हुई है और उनमें से कई पहाड़ियों में स्थित हैं। दूसरी बात यह कि इजराइल से ईरान के परमाणु स्थलों तक सीधी उड़ान के लिए भी हवा में ईंधन भरने या ईंधन भरने के लिए लैंड करने की आवश्यकता होगी। ईरान और इजराइल के बीच जॉर्डन, इराक और सऊदी अरब स्थित हैं, जिनमें से कोई भी इजरायली लड़ाकू विमानों को ना तो लैंडिंग की इजाजत देंगे और ना ही अपने आसमान से उड़ान भरने की मंजूरी देंगे। तीसरा ये कि इजराइल से ईरान के बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है, जहां पर इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए परमाणु ठिकानों पर हमला करना जरा भी आसान नहीं होगा। हालिया रिपोर्टों ने अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं। ईरान की परमाणु क्षमता को रोकने के लिए एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध थोपे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि क्यों अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकने का हमारे पास अब आखिरी मौका ही बचा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। इसके साथ ही ईरानी अधिकारी लगातार ऐसे बयान देते रहे हैं जिनमें वो परमाणु सिद्धांत में बदलाव करने की बात करते रहे हैं। इसी को देखते हुए ईरान पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। ईरान को हर हाल में रोकेंगे। अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए लगातार कोशिशें करता रहेगा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान हर महीने 5 परमाणु बम बना सकता है। हम आपको बता दें कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि ईरान अपने परमाणु संवर्धन की क्षमता को 3 से 4 गुना अधिक बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए वो 1400 नए सेंट्रीफ्यूज अपने सबसे सुरक्षित परमाणु साइट फोर्डो में लगाने की तैयारी में था। परमाणु हथियारों के एक्सपर्ट और ISIS के अध्यक्ष डेविड अलब्राइट ने चेतावनी दी थी कि फोर्डो प्लांट में ईरान ने जबरदस्त परमाणु क्षमता हासिल कर ली है। अब वो 1 महीने के भीतर ही 5 परमाणु बमों के लिए वेपन ग्रेड यूरेनियम का प्रोडक्शन कर सकता है। हम आपको बता दें कि ईरान के पास अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का भंडार अब JCPOA द्वारा तय की गई सीमा से 30 गुना अधिक है, जिसने ईरान को बेशुमार एटमी ताकत हासिल करने लायक बना दिया है। कुल मिलाकर अगर ट्रंप के बवाली बयान पर नजर डालें तो ये तय है कि चाहे अमेरिका हो या फिर इजराइल, वो कभी भी ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा नहीं पाएंगे। और चलिए अभी के लिए स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, और आप आगे देखिए मारो राजस्थान।